हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड 5, ब्लॉक 5, प्रोटेक्टिंग एनिमल हैबिटेट। वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिटेट एंड इन दिस लेसन टुडे वी आर गोइंग टू सी प्रोटेक्टिंग एनिमल हैबिटेट पार्ट 1। सो फर्स्ट सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हैबिटेट। एनिमल हैबिटेट का इम्पोर्टेंस क्या है ये पहले हम जानेंगे, उसके बाद प्रोटेक्टिंग कैसे करते हैं उस हैबिटेट को फिर वो देखेंगे। अ हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स कंफर्टेबली इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग्स। ईच एनिमल इज अडॉप्टेड टू इट्स ओन हैबिटेट एंड कैनॉट लिव इन ओनली अदर हैबिटेट इन एनी अदर हैबिटेट। सी, हर कोई जानवर एक उसके अलग वातावरण में रहता है और उस वातावरण में उसे आदत हो जाती है रहने की, वो वहाँ पर एडजस्ट करता है खुद को। दूसरे कोई भी वातावरण में वो जीवित नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ पोलर बियर आर अडॉप्टेड टू लिव इन वेरी कोल्ड पोलर रीजन्स। सी इन फिगर नंबर 1। देखिए, इस फिगर में आपको दिखाया है कि पोलर बियर बहुत ही ठंडी जगहों पर रहते हैं और उसको और दूसरी कोई जगह की आदत नहीं रहती। तो एंड कैमल्स आर अडॉप्टेड टू लिव इन हॉट डेजर्ट्स। सी इन फिगर नंबर 2। कैमल्स को हॉट डेजर्ट्स में रहने की आदत होती है और वो दूसरी किसी भी प्लेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अ पोलर बियर कैनॉट सर्वाइव इन अ डेजर्ट एंड अ कैमल कैनॉट सर्वाइव इन अ वेरी कोल्ड प्लेस। पोलर बियर बहुत ही हॉट जगह पर, डेजर्ट पर की जगह पर नहीं रह सकता और कैमल बहुत ही ठंडी जगह पर नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका जीवन एडजस्ट कर लेता है हॉट डेजर्ट में रहने के लिए। फिश ब्रीथ ओनली इन वाटर एंड डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। जैसे मछलियाँ सिर्फ पानी में रहती हैं और अगर उनको पानी के बाहर निकाला जाए तो वो मर जाती हैं। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स लाइक टाइगर्स, एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, डियर एंड आउल्स। अब फॉरेस्ट हैबिटेट है बहुत सारे जानवरों का, जंगल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज एनिमल्स टू लिव एनी वेयर एल्स। अ हैबिटेट इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस टू द एनिमल्स दैट लिव देयर। हैबिटेट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो उस जगह पर उन्हें खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है और पानी भी मिलता है और उस जगह को वो अपने जीवन के अनुसार ढाल लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल हैबिटेट। आज कुछ एनिमल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सी, एनिमल हैबिटेट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पीपल थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से एनिमल्स के जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए कैसे, कटिंग ट्रीज, ट्रीज आर कट। सी इन फिगर नंबर 3। देखिए, इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि ट्रीज को काटे जाता है। तो ट्रीज को काटने के बाद बहुत सारे एनिमल्स जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, जो उनका घर है, वो बिखर जाते हैं। ट्रीज आर कट एंड फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू मेक बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स। बिकॉज ऑफ दिस मेनी एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव। Then second activity is pollution. People throw garbage in parks, grounds, rivers and lakes. See in figure number 4. बहुत सारा garbage rivers में, lakes में फेंकते हैं लोग और this pollutes land and water bodies. They bathe and wash clothes in rivers. This pollutes the water and affects water animals. तो इसकी वजह से जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर पानी दूषित होता है तो उसका परिणाम
पानी में रहने वाले जानवरों पर होता है, एंड अदर एनिमल्स लिविंग नियर द पोल्यूटेड वाटर बॉडी। क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड कटिंग ट्रीज आर कॉजिंग चेंजेस इन द क्लाइमेट। दिस एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, विच इन टर्न इज कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज हैं कुछ ऐसे जो फ्यूल जलाते हैं और ट्रीज को कट करते हैं, इसके वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है। दिस राइजिंग टेम्परेचर इज कॉजिंग द आइस कैप्स टू मेल्ट एंड दस डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट्स ऑफ मेनी एनिमल्स लिविंग इन दिस रीजन्स। और इस राइजिंग टेम्परेचर की वजह से बहुत सारा आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है, और जो इस प्रदेश में रहने वाले जानवर हैं उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस तरीके से एनिमल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि एनिमल्स बच सकें। एनिमल हैबिटेट का इम्पोर्टेंस क्या है और उसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आज हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनिमल हैबिटेट। तो जो एनिमल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं वो आज हम इस पार्ट में जानेंगे। मेनी एनिमल्स डाई व्हेन देयर नेचुरल हैबिटेट्स आर डिस्ट्रॉयड। लॉस ऑफ हैबिटेट्स मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एनिमल्स टू फाइंड फूड, वाटर एंड प्लेस टू लिव। अब बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं जब उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उन्हें खाने पीने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं रहती। दे मूव टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज में और पानी की खोज में अलग अलग शहरों में जाते हैं, घूमते हैं। दे मे गेट हर्ट और किल्ड बाय मूविंग व्हीकल्स। और वो देखिए, आपको पिक्चर में दिखाया है कि वो उनको व्हीकल्स से हर्ट होने के बाद वो मर जाते हैं। द नंबर्स स्लोली बिकम लेस एंड सम एनिमल स्पाइसेस आर कम्प्लीटली लॉस्ट और हैव बिकम एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। मेनी एनिमल स्पाइसेस लाइक द बंगाल टाइगर एंड इंडियन लिपर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज इन डेंजर एज दे आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। अब बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स की जातियाँ ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड एनिमल्स स्पाइसेस कहा जाता है, जैसे कि बंगाल टाइगर है और इंडियन लिपार्ड है। तो ये दो प्रजातियाँ जो है जानवरों की वो पूरी तरीके से ख़त्म होने में हैं, उनके कुछ ही एनिमल्स बाकी हैं। तो ये इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं और वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये उसका परिणाम हो रहा है। तो एनिमल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके क्या रास्ते हैं ये हम देखते हैं इस वीडियो में। वेज टू प्रोटेक्ट एनिमल हैबिटेट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल हैबिटेट्स। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू कीप एनिमल्स सेफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब गवर्नमेंट ने सैनिटरीज बनाई हैं जो कि एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरमेंट में सेफ रखती है। सी इन दिस फिगर। और क्या रास्ते हैं ये हम जानेंगे टू प्रोटेक्ट एनिमल हैबिटेट। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस जस्ट लाइक द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स वेयर एनिमल्स लिव सेफली। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड strict laws that punish people who cut trees in forests and cities. अब ऐसे लोगों के लिए जो trees cut करते हैं उनके लिए भी strict laws government ने बनाए हैं। We all need to take steps to save the habitat of animals. हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम animal habitat को बचाने की कोशिश करें। We should plant more trees. See in this figure.
वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड एजुकेट पीपल अबाउट वाई वी शुड नॉट कट ट्रीज। और इसका इसकी शिक्षा देनी चाहिए लोगों को कि क्यों हमें ट्रीज लगाना है। वी मस्ट ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, सी इन दिस फिगर, एंड नॉट पोल्यूट लैंड एंड वाटर बॉडीज। हमें गार्बेज कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए और पानी और लैंड को दूषित नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ वेज ऐसे हैं जिससे कि हम एनिमल हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाउ टू प्रोटेक्ट एनिमल हैबिटेट, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हैबिटेट, ये इस लेसन में आपको दिया है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन बेटर। थैंक यू।